हेलो दोस्तों, मेरे बाल झड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब ने 20,000 रुपये ले लिए हैं, ये मुझे उल्टा टोपी पहना दिया है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? दिखा कर टोपी पहना रहे, देखो ये लगाने से मेरे बाल आ जाएंगे। देखिए पीछे में भी लाइट जल रहे हैं और साइड में भी लाइट जल रहे हैं, देखा है? इसको बोलते हैं इसकी टोपी उसके सर। यारा जी, ऐसी शुगर मिला लगाए रखो, बड़ा अच्छा काम कर का रहे हो। तो आपसे निवेदन है, कृपया करके ये सब टोपी ना पहने, नहीं तो मेरा तो पैसा लग चुका है, तो मुझे करवाना पड़ रहा है। और डॉक्टर ने बोला है मैं आपको बाल झड़ते हुए बाल को रोक सकता हूँ, पर बाल ला नहीं सकता हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं 20,000 भी दो, बाल का ट्रीटमेंट भी कराओ और पर से बाल ला भी नहीं सकते। बोलिए क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जैसे गुंडे लोग होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो चक्कू दिखा के टोपी पहनाते हैं डरा धमका के। अगर आप पढ़ लेते हो तो टोपी पहना के इज्जत से आप पैसा कमा सकते हो, और एक एक पेशेंट का आप 20-20 हज़ार रुपये ले सकते हो। तो यही आप लोग से निवेदन है कि थोड़ा पढ़िए। आप लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप टोपी नहीं पहना पाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, टोपी पहनाएगा इंडिया, टोपी पहनेगा इंडिया, और कुछ बात नहीं है। आप लोग इस वीडियो को देखिए या सीखिए या मेरे ऊपर हंसिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो आदमी थोड़ा सा गरीबी से उठता है, मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, तो उसके बाल झड़ जाते हैं। सेविंग का पैसा बचा बचा के अपने बाल का ट्रीटमेंट करा रहे हैं। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कराओ। ये वाला उग रहा है, वो वाला घट रहा है, पतले होने की जगह मोटे हो रहे हैं। पेट घटना चाहिए तो बाल घट रहा है, क्या बोले? लाचारी है भैया। नाम क्या है तेरा? ये सब चीज़ आप लोग लाचारी नहीं समझे। रहने वाले पढ़ाई का प्रेशर, फैमिली का यहाँ पे प्रेशर, कैसे आया? क्या छोड़िए, क्या बोले आप लोग को? आप लोग थोड़ी समझिएगा, हमारे जैसे लोग के ऊपर सब लोग हंसते ही हैं। ये टोपी लगाने से तो लग रहा है हम हनी सिंह है, बहुत बड़ा रैपर है। नहीं ये अंदर से कितना बड़ा खोखला है, ये देखिए। जिंदगी हो तो कौवा ऐसा, हर चीज खा लेता है, हर जगह रह लेता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इंसान का जिंदगी बहुत मुश्किल है। क्या बढ़िया था गुरु। मुश्किल क्या है, उन लोग का फायदा है, मेरा मुश्किल है। ये फंस गए जो आ रहा बोल रहे हैं भैया, आप लोग नहीं समझिएगा। क्या है, बस बाल झड़ रहे हैं आपके सामने, क्या मतलब है फिर? सीख है ये जो हम बना रहे हैं आप लोग के लिए, सीख है। आप लोगों को क्या लगा मैं रैपर बन रहा हूँ? नहीं। इसलिए रैपर लोग टोपी लगाते हैं, इसका टोपी उसके टोपी, थोड़ा सा गाना गाएंगे, कितना कितना पैसा ले लेते हैं। हनी सिंह भैया लोग बुलाते नहीं है, ना हनी सिंह बुलाते हैं, ना रफ्तार भैया बुलाते हैं, ना वो क्या बोलते हैं, बादशाह भैया बुलाते हैं। बचपन का प्यार बोल के उस लोग को MG का गाड़ी मिल जाता है, फिर और क्या बोलते हैं, इंडियन आइडल वाले लोग बुला लेते, सब बुला लेते भाई, अपने को कौन बुलाएगा? हमने को तो बाल झड़ रहा है। टकला कोई बुलाता है आज तक? किसी टकले को देखा है किसी शो में बुलाते नहीं? तो बच्चा बचपन का प्यार गा दिया, मैं बचपन का बाल गायब हो गया। इसको दर्द सुना भैया, हिम्मत चाहिए, हर चीज़ के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत नहीं किसी पढ़ने का या काम करने का, नाकामी का भी हिम्मत चाहिए। दोस्तों टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ चुकी है, जैसे आप देख सकते हैं मेरे याददाश्त को बढ़ाने वाली एक टोपी आ गई है, जिसमें मेरे ब्रेन को डायरेक्ट लाइट मिलेगी और मेरा दिमाग का बत्ती जल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं दिमाग की बत्ती जलाने वाली टोपी। तो रुको जरा, सबर करो, मेरे शब्द रुक नहीं रहे हैं और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ।
थैंक यू सो मच हनी सिंह सर, आपने जो मुझे ये कैप दिया है, लाइट वाली कैप। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। थैंक यू सर, ये मेरी रैपर का जिंदगी बदल देगा। थैंक यू सो मच सर, आपने इस गरीब को इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं आप लोग को ये कैब दिखा